हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर, और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 8 का फुल ट्यूटोरियल। क्या आपने हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया? अगर नहीं किया तो जल्दी कीजिए, क्योंकि हम देते हैं आपको एक कॉर्पोरेट लेवल की ट्रेनिंग, जिसमें एंगुलर का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ ही हम आपको लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट sahosoft.com पर जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जल्दी क्लिक कीजिए और अपना बैच चूज कीजिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट अवेलेबल है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इंटरपोलेशन के बारे में देखा कि मीन्स कि हम इंटरपोलेशन के थ्रू कैसे बाइंड करते हैं अपने डेटा को व्यू पेज पर, मीन्स कि हम पिछले कुछ वीडियो से दोस्तों हम डेटा बाइंडिंग के बारे में देख रहे हैं, और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो भी डेटा बाइंडिंग का ही पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे करते हैं, मीन्स कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू हम कैसे अपने कंपोनेंट के डेटा को व्यू पेज पर बाइंड करते हैं। दोस्तों, ये भी एक वन वे बाइंडिंग है, तो चलिए हम देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट है, कैसे बाइंडिंग करते हैं, हम एग्जांपल करके देखेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। दोस्तों, मैं बताते चलूँ कि अभी हम बेसिक चीज़ें पार्ट बाई पार्ट देख रहे हैं, उसके बाद हम लाइव प्रोजेक्ट भी करेंगे, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कार्ड ऑपरेशन, बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो अभी हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता क्या है। राइट, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। राइट, मीन्स कि दिस इट इज यूज टू बाइंड वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट मॉडल प्रॉपर्टी टू द HTML एलिमेंट। दोस्तों, ये भी एक वन वे बाइंडिंग है। इसमें होता क्या है दोस्तों, कि हम कंपोनेंट के जो डेटा होता है उसको हम HTML एलिमेंट में बाइंड करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू। राइट, ये दोस्तों क्या होता है कि जैसे सिंटेक्स इसका होता है कि एरे ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉपर्टी को रखते हैं, उसमें एक्सप्रेशन को साइन कर देते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इंटरपोलेशन के बारे में देखा था, तो जो भी वैल्यू होता था उसका हम इंटरपोलेशन मीन्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते थे तो वो डेटा बाइंड हो जाता था। बट इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट में जाएंगे और उसके प्रॉपर्टी में हम उसको एरे ब्रैकेट के अंदर रख के उसमें अपने एक्सप्रेशन को असाइन कर देंगे। जो एक्सप्रेशन मीन्स दोस्तों ये वैल्यू जो हमारा कंपोनेंट पे जाएगा, तो जो हमारा एक्सप्रेशन होगा दोस्तों, एक वेरिएबल का वैल्यू होगा, वेरिएबल का नेम होगा, जो हमारे कंपोनेंट डॉट TS फाइल से आएगा, उसको हम HTML पेज पर प्रॉपर्टी के अंदर असाइन कर देंगे, तो हमारा डेटा क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए मैं नीचे थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया हमने कि इस एग्जाम्पल में मान लो दोस्तों कि हमारा ये प्रॉपर्टी जो एरे ब्रैकेट के अंदर इनर HTML है किसी स्पेन का, तो उसमें हम अगर फर्स्ट नेम या कोई भी टाइटल अगर बाइंड करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो प्रॉपर्टी है ये तो टारगेट हो गया जो एरे ब्रैकेट के अंदर है। राइट, और डेटा कहाँ से आ रहा है दोस्तों, कंपोनेंट डॉट TS फाइल से, मीन्स कि वह सोर्स हो गया। तो मीन्स कि सोर्स से हम टारगेट में डेटा को असाइन करते हैं और डेटा हमारा वहाँ बाइंड हो जाता है। राइट, तो दोस्तों चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्ट जहाँ पर हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट TS पेज पर यहाँ पर टाइटल है। राइट, एक वेरिएबल है, इसमें सहोसर डेटा डाल रखा है इसमें। राइट, इसको हमने HTML पेज पर इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड कर रखा है। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा तो दोस्तों लिखा हुआ आएगा वेलकम टू सॉस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, अगर इसी टाइटल को अगर मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू बाइंड करना चाहूँ, तो उसके लिए हम क्या करना होगा हमें, जैसे कि आप हम मान लो दोस्तों हमने स्पेन ले लिया। राइट, स्पेन को क्लोज किया, उसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि एरे ब्रैकेट के अंदर जो कि हमारा सिंटेक्स होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग का, एरे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इनर HTML। राइट, एरे ब्रैकेट बंद करेंगे और इसमें दोस्तों हम असाइन कर देंगे यहाँ पर टाइटल को। राइट, तो दोस्तों ये क्या करेगा कि हमारे स्पेन के अंदर इनर उसके स्पेन किनर HTML में बाइंड कर देगा टाइटल को, मीन्स हमारे ब्राउजर पर एक बार सॉर्स ऑफ सॉल्यूशंस और दिखेगा। तो चलिए इसको एक बार सर्व करके दिखाता हूँ, फिर आगे एग्जाम्पल करके देखेंगे अलग अलग तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता चलता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सर्व करने के लिए ng serve। राइट, और यहीं पर अगर दोस्तों हम डैश ओ कर देंगे तो क्या होगा कि अपने आप सर्व होने के बाद अपने आप ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। जैसे इंटर करेंगे दोस्तों सर्वर एक्टिवेट करेगा और उसके बाद ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। राइट, जो कि इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है
4200। यहाँ पर दोस्तों वो हमने शायद नहीं टाइप किया, जीरो टाइप हो गया है। ng serve डैश ओ करेंगे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर ये ओपन करेगा, सर्वर एक्टिवेट होगा। उसके बाद तो सर्वर एक्टिवेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो दोस्तों देखिए अपने आप ब्राउजर में ओपन हो गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया ये डेटा जो कि हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू बाइंड किया था, राइट। और ये हमारा इंटरपोलेशन के थ्रू आ रहा है। तो दोस्तों ये होता है हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग। चलिए दूसरे तरीके से एग्जाम्पल करके देखते हैं दोस्तों। अगर हमने यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग भी लेते हैं, जैसे टाइटल लिखा हुआ है, तो इस तरह के मान हमने दोस्तों यहाँ पर लिया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इसको एज ए स्ट्रिंग ले लिया, राइट। और इसमें दोस्तों हमने मान लो साइन कर लिया चंदन, राइट। और यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया, इसको भी हम बाइंड कर सकते हैं यहाँ पर एचटीएमएल में इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से। यहाँ पर हमने मान लो दोस्तों लिख लिया, और यहाँ पर हमने स्पेन में इसके इनर एचटीएमएल में, इनर एच टी एम एल में हम यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट नेम का साइन करते हैं, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं दोस्तों ताकि नेमिंग कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और यहाँ पर हम इसको साइन कर देंगे। इसको जैसे ही सेव करेंगे दोस्तों हम ब्राउजर में देखेंगे कि हम फर्स्ट नेम ही बाइंड हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नेम आ गया, राइट। तो दोस्तों अब एक चीज और एग्जाम्पल दिखाते हैं इसमें दोस्तों। मान लो दोस्तों हमें कोई इमेज बाइंड करना है, तो भी हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू बाइंड कर सकते हैं उसका। मान लो दोस्तों हमारा एक इमेज का जो एलिमेंट होता है img, राइट, इसको हमने क्लोज किया, राइट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू दोस्तों इसका src जो होता है, src ले लिया, और इसमें हम दोस्तों बाइंड कर देंगे। यहाँ पर हम url कोई डाल सकते हैं, राइट। मींस कि यहाँ पर url जो एज स्ट्रिंग होता है, इसलिए हम डबल कोटेज के अंदर सिंगल कोटेज लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर कोई किसी भी इमेज के url डालेंगे तो हमारा इमेज बाइंड हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं कि हम एंगुलर का ही जो लोगो होता है वही बाइंड कर लेते हैं यहाँ पर angular.io से, राइट। यहाँ पर जो इमेज ओपन होगा इसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस हमने कर लिया, राइट। और इस प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट। तो अभी क्या होगा दोस्तों कि बहुत बड़ा सा इमेज बाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम इसका भी इसका हाइट विड्थ सेट नहीं कर रखा है। फिर भी मैं एक बार रन करा के इसको दिखाता हूँ। आप जैसे ही ब्राउजर में जाएंगे इसको बंद कीजिए और यहाँ पर देखेंगे तो बाइंड हो जाएगा आपका इमेज, बहुत बड़ा सा यहाँ बाइंड हो गया, राइट। तो इसका हाइट विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू ही। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे क्या कर लिया, राइट, और इसमें हमने डाल दिया 200, राइट। तो इसको जैसे ही सेव करेंगे दोस्तों हम ब्राउजर में देखेंगे कि हमारा इमेज छोटा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा अभी। इमेज देखिए यहाँ पर छोटा सा हो गया, राइट। मींस कि हम इमेज को किसी URL को भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू हम बाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो ट्यूटोरियल में प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में देखा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग होता क्या है। दोस्तों ये एक वन वे बाइंडिंग है, इसमें भी हम कंपोनेंट्स का जो डेटा होता है उसको हम व्यू पेज पर बाइंड करते हैं। यहाँ पर टू वे बाइंडिंग नहीं है, केवल वन वे बाइंडिंग होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू, जैसे कि इंटरपोलेशन के थ्रू होता है, राइट। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम एट्रीब्यूट बाइंडिंग के बारे में देखेंगे, एट्रीब्यूट बाइंडिंग क्या होता है, राइट। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एट्रीब्यूट बाइंडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।